यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने भाई बहन हफ्ते भर वचन शेयर किए हैं, प्रार्थना को शेयर किए हैं, प्रार्थना के वीडियो को शेयर किए हैं और दूसरों का जीवन को बचाए हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक ही कार्य दिया है और वो कार्य है उसके वचन को, उसके प्रार्थना के वचन को दूसरों तक शेयर करना, दूसरों तक फैलाना। और जब हम उसके कार्य के लिए आगे आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में निश्चय कर्म करता है। मेरे पियो, मसीह में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इस कार्य के लिए तूने मुझे चुना, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत से ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट आते हैं, मैसेज आते हैं कि वो भाई और बहन ने मेरे को वीडियो को भेजा और मैं देखा और मुझको अच्छा लगा और मैं भी यीशु मसीह को जाना। मेरे प्रियो, जब वो भाई बहन अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी किसी को किसी का कर्जदार नहीं रहता है। मसीह में जो कुछ भी हम करें उसके राज के बढ़ोतरी के लिए, हम जो कुछ भी करें हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 75 के उसके 9 पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मेरे पियो, यहां लेखक क्या कह रहा है, मैं सदा परमेश्वर का प्रचार करूंगा, उसके वचनों को शेयर करूंगा, उसके वचनों को दूसरों तक पहुंचाएगा। मेरे पियो, हर एक व्यक्तियों तक ये वचन पहुंचना जरूरी है। हम घंटों घंटों फालतू मैसेज करके वीडियो देख के हम बिता देते हैं, लेकिन हम प्रभु के कार्यों के लिए हमारे पास 10 मिनट टाइम नहीं है। जितने भाई बहन शेयर करते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से कि आप प्रभु के कार्यों के लिए 10 मिनट टाइम निकाल रहे हैं और दूसरों का जीवन बचा रहे हैं। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को बचाना है और उन्हें भी स्वर्ग राज्य में उसमें शामिल करना है। हालेलुया। हम उद्धार पा लिए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी उद्धार का मार्ग हमें दिखाना है। मेरे पियो, और प्रभु ने हमें एक ही कार्य दिया है, उसके सुसमाचार को सुनाना। आप केवल प्रार्थना और वचन का वीडियो शेयर के दूसरे के पास, बाकी आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, आगे का काम उसका है। हम अपना कार्य करें, बाकी उसके आगे का कार्य परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप उनको वीडियो शेयर करेंगे, किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा हुई तो वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उसके बिना, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपना कार्य करें, उसके आगे परमेश्वर पर सब छोड़ दीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी, ऋषि खराबा हूल राबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता, तूने हफ्ते भर संभाल रखा पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को तो पंगुतरे छुपाए रखा, हर दुपड़ी बीमारी में हमारी बीमारियों से बचाए रखा पिता। और आज ये अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरी स्तुति आराधना कर सके पिता, हम तुझको धन्यवाद दे सके पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हफ्ते भर पिता इन सारे भाई बहनों को पंखों तेरे छुपाए रखा पिता, छोटे से लेकर बड़े तक पिता और पंखों की आड़ में छुपाए रखा हर जनों को, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना जिस घर में चल रही पिता, उस घर के हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन पिता प्रार्थना को वचन को वीडियो को शेयर किए हैं पिता, उन सब तेरी आशीष करने पाए पिता, प्रभु जी वो बड़े बोझ के साथ तेरे वचन को दूसरों को फैलाते हैं पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने इनको कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए चुना पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके घर परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये जहां भी रहते पिता इन सब तेरी आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर,
हफ्ते भर पिता संभाल कर रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद हैं पिता। आने वाले हफ्ते पिता हम सबको पहुँच रहे छुपाए रहे पिता परमेश्वर, जितने भाई और वीडियो को शेयर करते वचन को शेयर करते पिता उन सबों का पहुँच रहे छुपाए रहे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रहे, कोई हमारी कोई हमारी छू भी ना पाए पिता। इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो सोच रहे मैं शेयर करूंगा पिता, उस कार्य के लिए उनको तैयार तो करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति 10 मिनट टाइम निकाल के पिता वो तेरे वचनों को शेयर करने वाले हो जाए, इनको तू अगुवाई कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि अपने हर एक जनों तक हर एक ग्रुपों में पिता ये वचन प्रार्थना का और वीडियो का वचन शेयर करने वाले हो जाए, ताकि उसके द्वारा ये आशीष को प्राप्त कर सके खुदावन, यही प्रार्थना करते इन सबों को तेरी आशीष उतरने पाए पिता। हाँ पिता जो समस्याएं इनके जीवन में है पिता, वो हर एक समस्याओं को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं, समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, इनके हर एक बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में समस्याएं हैं पिता, उन समस्याओं को हम तेरे नाम से हम निकलने की घोषणा करते हैं, वो चिंता वाली बातें जो इनके जीवन में पाई जा रही है वो तेरे नाम से इससे घड़ी निकलने पाए, यीशु नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, आजादी की घोषणा करते हैं, इनके तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में बंद रास्ते खुलने पाए, जो चिंता वाली बात इनके जीवन में पाई जा रही है उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए पिता, हर एक बीमार तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर पिता इन सबको तो चंगाई प्रदान करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं, इसके इसी घड़ी इनके जीवन में निश्चय कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, इनके बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। और इससे खराबा हुल राबा रिक खराबा जो दवाई खाते भी दवाई को हम आशीष करते हैं, दवाई खाते हैं सभी मां निकलने पाए, ईश्वर नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत से भाई भिन्न प्रकार के समस्याओं में जूझे हुए हैं पिता, हाँ पिता हर एक समस्याओं को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, इन सबको तू हफ्ते भर संभाल के रखा पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा, महामारियों से दुर्घटनाओं से बीमारियों से इन सब को बचाए रखा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह भर पिता इन सब को पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाए प्रभु जी, जब बाहर कार्य करने जाते हैं पिता परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, इनके घर में कार्य करने में सहायता कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, त्राओं में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी, ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, यीशु नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक रुका हुआ कार्य इस हफ्ते चालू होने पाए पिता, हर एक रुकी हुई आशीष तेरे नाम से आने पाए पिता परमेश्वर, यीशु नाम में इनको हम बरकत आशीष की घोषणा करते हैं, तेरे नाम से इनके बंद रास्ते खुलने पाए, इसी मंथ ईश्वर नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद सरा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। एक बार फिर से पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, जितने भाई पिता प्रार्थना को वचन को बड़ियों को दूसरों भेजते हैं पिता, उन सबों पर तेरी आशीष उतरने पाए पिता, घर परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, हफ्ते भर महीने पर संभाल कर पिता, कोई हमारे कोई मारे इनको छो भी ना पाए, जहां जाते हैं पिता इन सबकी सहायता प्रदान कर, सुरक्षाओं से भरपूर रख पिता, यही प्रार्थना करते प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए, प्रार्थना आपके घर आपके परिवार आपके जीवन के लिए की जा रही है, और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देखते हैं प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया गॉड ब्लेस यू।